हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और आज मैं मनुजेंद्र शाह जी के टेहरी गढ़वाल हाउस में बैठी हूँ, उनसे गुफ्तगू कर रही हूँ। और ये मैंने काफ़ी हैवी ड्यूटी वर्ड यूज़ कर लिया है, क्योंकि अभी हम यही कह रहे थे कि आजकल हिंदी को तो तवज्जो इतनी नहीं दी जाती, एंड वी मस्ट स्पीक इन हिंदी। और मेरे व्यूअर्स भी, आप लोगों के लिए स्पेशली जिन लोगों ने कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो पर कि हिंदी में क्यों नहीं आप इनका इंटरव्यू लेती, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। और आज मनु जी हिंदी में पूरा इंटरव्यू करेंगे, कोशिश पूरी होगी, कोशिश पूरी होगी। सर, वेलकम मेरे इंटरव्यू के लिए। एंड सबसे पहले यही पूछूंगी कि अभी 2 साल बाद हम मिल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है मुझसे मिलके? नहीं, मतलब वैसे इस 2 सालों में ऐसी घटना घटी हम सब लोगों के लिए जो जैसी घटना है, पहले कभी ऐसी घटी नहीं होगी दुनिया में, नहीं घटी होगी। तो कोरोना ने हमारा सारा जीवन ही बदल दिया था, मेरा जीवन ही, सबका, सब देशवासियों को, सब दुनिया में रहने वालों को। तो अब जब थोड़ा थोड़ा वातावरण थोड़ा नॉर्मल हुआ, थोड़ा खुल गया, तो अब अच्छा लग रहा है जी। सर, मुझसे मिलके अच्छा लग रहा है। आपको तो हमेशा मिलके अच्छा ही लगता है सर। मेरी वीडियो में तो मतलब ऐसे तो नहीं कि मेरी वीडियो है इसलिए आप मेरी तारीफ कर रहे हो, जेन्युइन है ना सर? कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन है। ओके, सो सर, क्या इन 2 ईयर्स में आपको क्या लगा कि अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्योंकि सिंस यू रिटायर्ड ऑल्सो, आप ज़्यादा मतलब काम में इतने एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप किस तरह से, लाइक व्हाट वर योर थॉट्स इन दीज 2 ईयर्स? पहली बात तो ये है कि ये पता, ये हमको मिलना सीखने को मिला है कि हम लोग, ये कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। सो ट्रू, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बताइए, अब ये कोरोना किसने 10 साल पहले या 5 साल पहले किसने सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा, कि ये परिस्थिति होगी कि हम लोग बिल्कुल कमरों में बंद हो जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अपने चाहने वालों को हम खो देंगे। मेरी माँ जी थी, उनको भी कोरोना हो गया और 5 महीने के अंदर ही अंदर उनकी भी उनको स्वर्गवास हो गया। और पिछले साल तक उनको बिल्कुल चलती फिरती थी जी सर, बहुत दुख हुआ ये जान के। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी, हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया था इन 2 सालों में। अब आगे आने वाला जो समय होगा, हम भगवान से ये प्रार्थना है कि वो ठीक रहे, ऐसी परिस्थिति फिर कभी ना आए जी सर, सबके लिए। इनफैक्ट हम यही प्रार्थना करेंगे कि जिन लोग, जो ये लोग वीडियो भी देख रहे हैं, हम सबकी ज़िंदगियाँ एक तरह से एक जैसी ही शुरू से ही हैं, भगवान ने एक ही, हमें एक ही जैसा बनाया है। बट यही है कि यहाँ धरती पे आके हम लोग जैसा काम करते हैं, जो हमें, जहाँ हमारा जन्म हुआ है उसके हिसाब से हम लोग रहते हैं, सहते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कोरोना ने हमें आके फिर से याद दिला दिया कि हम एक ही हैं। बिल्कुल। तो सर, और सर, अब क्या बद्रीनाथ के कपाट भी आपने अभी रिसेंटली खोले थे, आपने फिर बंद हो गए हैं शायद? इस साल कोरोना की वजह से हमको, हमने खोले थे पर फिर डिले करना पड़ा। पहली बार, दूसरी बार हुआ है कि किसी कारणवश बद्रीनाथ के कपाट, एक बार जो तारीख जो सेटल हो जाती है वो हमेशा उसी तारीख पे, उसी टाइम पे खुल कपाट खोलते हैं। अच्छा। इस बार कोरोना की वजह से, ये भी कोरोना का एक नया वो पहलू था कि उनको, हमको थोड़ा 1-1.5 महीना लेट खोलना पड़ा। ओके। अब इसकी जो प्रतिक्रिया ये है कि बसंत पंचमी को जी, जो हमारे राज पुरोहित होते हैं जी, वो मेरी जन्मपत्री देखते हैं और उसके मुताबिक जो सबसे अच्छा जो दिन होता है बद्रीनाथ के कपाट खोलने के, अक्सर वो मई में ही होता है, मई के शुरू में ही होता है जी। तो उसी से वो कपाट खोलते हैं। ओके। ये हम अनाउंसमेंट करते हैं बसंत पंचमी के दिन। अच्छा। ओके। और उससे फिर दो तारीखें हम अनाउंस करते हैं, एक तो बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख है और एक उसके लिए हमारे परिवार से तेल जाता है वहाँ जी। आपने मुझे पिछली बार बताया था जब हम मिले थे, आपने मुझे बताया था। गाड़ू घड़ा कहते हैं उसमें, हम तो उस कपाट खोलने से कोई 15-20 दिन पहले हम तेल अपना निकालते हैं, क्योंकि हम जल्दी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें थोड़ी गर्मी चाहिए होती है। अच्छा सर, कोई प्रोसीजर क्योंकि वो तरने, उसमें जो तरीका है वो ये है कि जो सूरज की गर्माइश है उसी से तेल निकलता है, तिल का तेल होता है और हाथ से निकलता है। अच्छा। तो हमारा क्या करते हैं, हम जो हमारे आसपास वहाँ रहने के
जो गांव के जो खासकर महिलाएं हैं जी, महिलाएं जो हैं वो हमारे आसपास के गांव के हमारे घर में आती हैं और बैठ के तिल का तेल निकाल के पूरा दिन लग जाता है। अच्छा, ओके। वो जैसे आटा गूंथ, शुभ माना जाता है कि जब औरतें निकालती हैं तेल। हाँ, औरतें निकालती हैं, मान्यता होगी, आदमी उसमें कुछ नहीं करते हैं। जी जी जी। वो तेल निकलता है, फिर एक वहाँ से बसंत पंचमी के वहाँ से उनका जो घड़ा है वो आता है, हम उस घड़े को भरते हैं और फिर विदा, घड़े को विदा करते हैं। सर, वो एक रीति रिवाजों के साथ उसको। ये दो चीज़ें हम, मेरा सौभाग्य है कि मैं बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ जी में कर पाता हूँ। तो मतलब स्वयं, मतलब आपको खुद एक, तो आपको अगर बद्रीनाथ की तारीख चाहिए तो आपको बसंत पंचमी तक रुकना पड़ेगा। हाँ सर, कोई बात नहीं, हम रुक जाएंगे सर, दर्शन भी हों अगर तो और भी कृपा होगी। एंड सर, और अब क्या मतलब आपको किस तरह से आपका शेड्यूल रहता है, आप क्या पूरे मतलब कि दिनचर्या किस तरह से, यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, कभी कभी मतलब हफ्ते में 3 बार ही थोड़ी पैदल चलता हूँ मैं घर में ही। ओके। तो बस वो भी कभी कभी मिस हो जाता है, कभी महीने भर तक नहीं करूँगा। बट यू लुक फिट एंड रियली होप कि आप मतलब ऐसे ही फिट हैं। आई डोंट नो, मैं फिट तो क्या हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल आप डेफिनेटली। हाँ, मैंने जैसे जैसे आपको आज देखा, मैंने कहा कि आपने वेट लूज़ किया है, वो तो मुझे दिख गया, लेकिन आई होप इट इज़ फॉर द गुड। आई होप सो। और सर बताइए, और बताइए तो क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अब तो क्या, घर का ही काम है, मतलब जो मेरा 2 होटल हैं जी, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इतना इन्वॉल्व नहीं है, पर बोर्ड मीटिंग में जाना पड़ता है। कौन से होटल्स हैं? एक नरेंद्र नगर में ही है। ओके। वो जो मैंने उसको आनंदा इन हिमालय बोलते हैं। ओके, या या या। ओके। और ये हरिद्वार में जी, जो हमारी पुश्तानी प्रॉपर्टी थी। ओके। उसमें होटल है। ओके, तो आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में मैं इन्वॉल्व नहीं, एडवाइजरी टाइप है। okay. कभी कभी मीटिंग होती हैं। सो कुछ नए प्लान्स हैं एक्सपेंशन के या? जो हमारे वहाँ नरेंद्र नगर में हम करना तो काफ़ी चाहते हैं, पर वहाँ पे जो लैंड लॉज है, जो जमीन के जो, वो हमको अलाउ नहीं करते हैं नरेंद्र नगर में, क्योंकि उसमें बहुत हमारा फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट को हम छूना भी नहीं चाहते हैं और छूने भी अलाउ नहीं करते। इसलिए अब जितना हम कर सकते थे, जितनी हम बिल्डिंगें बना सकते थे, वो बन चुकी हैं। okay. अब बस उसको सिर्फ हम अपग्रेड करते हैं कि भाई थोड़ा बेटर होता है, 5-6 साल में थोड़ी अपग्रेडिंग। और सर, रॉयल ड्यूटीज क्या रहती हैं आपकी, सिंस यू आर द महाराजा ऑफ तेहड़ी गेट गढ़वाल? मतलब सामाजिक है, सोशल है वो। ओके। नॉट, मेरी तो मेन ड्यूटी तो बद्रीनाथ की है। और विद इन द फैमिली? वो तो फिर वही है, कोई सोशल है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई मुंडन है। अच्छा अच्छा। उसमें अच्छा, जाना पड़ता है। ओके। गांव वाले कभी कभी बुलाते हैं, उनके यहाँ जाना पड़ता है, सोशल ड्यूटी है। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको किसके साथ टाइम बिताना लगता है? मुझे पता है आपके, मैंने 2 डॉग्स देखे थे अभी, देव गॉट 2 डॉग्स, बट आई एम जस्ट सेइंग सिंस आई एम आल्सो डॉग लवर, बट आपको किसके साथ अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? आप सच्ची बताएं तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पहाड़ में अच्छा लगता है, गाँव में बीच में पता नहीं मुझे क्या है कि जब मैं अपने गढ़वाल में, आपको अपनापन महसूस? हाँ, वहाँ अपनापन मान महसूस होता है। और जहाँ वो अच्छा, अभी भी कह रहा हूँ, ये 2021 हो गया है, अभी भी गांव के लोग जरा थोड़ा सिंपल है सर, उन हमसे ज़्यादा सर। सिंपल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट की वजह से सबको सब पता रहता है, और जेन्युइन है वो, जब आपकी खातिर करते हैं तो अपने दिल से खातिर करते हैं, तो उनके साथ बैठने में सबसे ज़्यादा मज़ा मुनी उनके साथ आता है, और खासकर पहाड़ों में। तो आपको लगता है मेट्रोपॉलिटन्स में फेकनेस और दिखावट ज़्यादा है, और जो गांव के लोग हैं वो अभी भी सीधे साधे उतना आपको लगता है? मेट्रोपॉलिटन में क्या, ये मेट्रोपॉलिटन की आवश्यकता है, अगर यहाँ आके आप सिंपल बन जाओ तो आप पीछे कहीं नहीं बढ़ सकते, तो क्या करें, करना पड़ता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, सब जगह ऐसी है, बाहर तो और भी है, बाहर तो कोई मिलता ही नहीं। अब बाहर कहीं जाए तो आपका दोस्त जो है वो तो मिलता ही नहीं है, घर में तो कोई बुलाता ही नहीं है। हाँ। तो मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में मिलना पड़ता है, वो खाना खाया घर को, जैसे आप और हम बैठते हैं। हाँ। हमारी जो दोस्ती है वहाँ पे इतना नहीं होता है, बहुत ही कम सर। आपको ये इनका घर है, पीछे आप देख सकते हैं, एंड ये इनका लॉन है, यहाँ पे पीछे सारी बर्ड्स चर्प करती रहती हैं, एंड इट्स ब्यूटीफुल प्लेस।
इट्स राइट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली नियर कनॉट प्लेस, इट इज़ एट भगवान दास रोड। एंड मैं इनको भी बोल रही थी सर आप बहुत लकी हैं, कहते हैं हाँ वो मैंने कुछ नहीं किया है, हम लोग सब जो होता है मतलब जो लिखा हुआ होता है वो होता है। बट पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे सर, इस परिवार में जन्म लिया मैंने। दैट्स सो ट्रू सर। एंड यहाँ पे आपको अच्छा लगता है धूप सेकना विंटर्स में आपका? विंटर में तो काफ़ी हम धूप सकते हैं, है ना। मुझे भी यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बस विंटर शुरू नहीं हुई है, बट सिटिंग हियर इट्स सो क्वाइट एंड नाइस एंड पीसफुल। हियर आई गो, इंग्लिश में आ गई मैं, बट या इट्स रियली नाइस टू टॉक टू यू सर आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय वीडियो। एंड अपने व्यूअर्स के लिए एक लास्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस हमारे दिल्ली में तो ये प्रदूषण इतना हो रहा है, तो मैं सबको कहूँगा अपना अपना जो छोटा सा भी कुछ हो सके प्रदूषण के अगेंस्ट, यहाँ फिर तो बैठना ही मुश्किल हो जाता है कभी तो। जी जी, आज तो धूप निकली हुई है, अभी आप दिसंबर में आएंगे तो शायद यहाँ धूप ही नहीं निकलेगी, क्योंकि वहाँ ठंड हो जाती है, फिर पॉल्यूशन है जी, जी। ये और सेटल हो जाता है। जी जी सर, जो यूट्यूब पे आपको देखते हैं वीडियो में, मेरी आपके साथ जो पहली भी वीडियोज़ हैं उसमें भी बहुत कमेंट्स आए हैं, बहुत पॉपुलर है सर ये, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ आपको। नहीं तो कुछ कुछ मैसेज आप लोगों का, आपके व्यूअर्स का बड़प्पन है सर। मैसेज सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, मिलते रहिए हमसे वीडियो के जरिए। हाँ, मैं आप तक पहुँच जाती रहूँगी, इनकी इनसे बातें करती रहूँगी और इसी तरह वीडियो बनाती रहूँगी। आप देखते रहिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ये मेरे इंटरव्यूज़ और वीडियो अच्छी लगती हैं तो। सर प्लीज़ सर एक अपील भी कर दो सबको सब्सक्राइब करने के लिए। आपने कर ली सर, आप बोलोगे तो सर दम पड़ेगा ना थोड़ा। जरूर, अगर आपको पसंद है ज़रूर कीजिए, और नहीं पसंद है वो भी बता दीजिए, हम फिर ये दोबारा कर लेंगे वीडियो, फिर उनको सही करेंगे। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।